दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा बिजनेस बताने वाले हैं जिससे आप दिन के 1000 रुपये से लेकर महीने के 30 से 35 हज़ार रुपये की आराम से कमाई कर सकते हैं। हम आपको अपने मार्केट के सुभाष भाई की वो स्ट्रेटजी बताएंगे जिससे आप शुरू के दिन में ही अच्छी कमाई करने लग जाएंगे। साथ ही आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि होलसेलर से कैसे डील करें कि सामान काफ़ी सस्ता मिल जाए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि लेडीज़ आइटम हर घर की ज़रूरतें हैं और इनके बिना काम नहीं चल सकता। चाहे सस्ती हो या महंगी, लोगों को खरीदनी ही पड़ती है। अगर आप भी कॉस्मेटिक की दुकान खोलना चाहते हैं तो इन 4 स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से समझेगा। स्टेप नंबर 1, कॉस्मेटिक शॉप के लिए बेस्ट जगह। कॉस्मेटिक के बिजनेस में नहीं बल्कि हर बिजनेस में जगह का चुनाव सही होना चाहिए। आपको अच्छे प्रॉफिट के लिए जगह का चुनाव एक अच्छी प्लानिंग से करना है। आप ऐसे एरिया को टारगेट कर सकते हैं जहां पहले कोई इस बिजनेस को नहीं कर रहा हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपको इसके लिए मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप कॉस्मेटिक के बिजनेस में ऐसे एरिया को चुन सकते हैं जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता हो, जैसे साड़ी शॉप, फास्ट फूड, बड़ी मार्केट या ब्यूटी पार्लर शॉप। स्टेप नंबर 2, कॉस्मेटिक शॉप का डिजाइन कैसा हो। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है। कॉस्मेटिक शॉप का डिज़ाइन इस बिजनेस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है और इसके लिए आपको अपनी कॉस्मेटिक शॉप का डिज़ाइन अच्छे से बनवाना है। आप इसके लिए शीशों का अलमारी बनवा सकते हैं, अच्छे टेबल काउंटर रख सकते हैं और कस्टमर को बैठने के लिए भी टेबल बनवा सकते हैं। और शुरू में जहाँ तक हो सके पैसे को मैनेज करके चलना है, क्योंकि आपको आगे इस बिजनेस में प्रॉफिट होना तय है। तो फिर आप धीरे धीरे अपना दुकान अपडेट भी कर सकते हैं। अगर हम इस बिजनेस के इंटीरियर डिजाइन की खर्च की बात करें, जहाँ तक मुझे सुभाष भाई से पता चला है, वह कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये की खर्च आएगा। और ये खर्च आपकी दुकान का आकार कितना है इस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि आकार जितना ज़्यादा होगा खर्च भी उतना ही अधिक बढ़ेगा। स्टेप नंबर 3, कॉस्मेटिक शॉप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। कॉस्मेटिक शॉप अगर कोई आदमी खोलने वाला है तो उसे प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी कुछ नहीं पता होता है और इस वजह से भी इस बिजनेस में काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि सही सामान सही समय पर नहीं मिलता और कस्टमर निराश होकर चला जाता है। तो सबसे पहले आप किसी अच्छे होलसेलर से मिलकर उनसे बात करें कि सर, मैं एक नया शॉपकीपर हूँ, इसलिए आप मुझे बताएं कि सस्ता सामान मैं कहाँ से ले सकता हूँ। और साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि आप एक ही होलसेलर से ना मिलें, कम से कम 10 से 12 होलसेलर से मिलें और उनसे केवल एक ही प्रश्न करें कि सर, मैं माल कहाँ से ले सकता हूँ। और वो जो भी बोले उसे काफ़ी ध्यान से सुने और जहाँ आपको लगे कि हाँ, ये होलसेलर ठीक है और थोड़ा सस्ता सामान मिल सकता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। या फिर आप किसी दुकान पर 2 से 3 महीने जॉब भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें सुभाष भाई की, तो सुभाष भाई तो बनारस से माल उठाते हैं। आप लोग में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा बनारस की। वहाँ से सामान लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे दुकान हैं और सुभाष भाई को जहाँ भी सस्ता मिलता है वो वहाँ से ले लेते हैं। अगर आपके भी एरिया में ऐसे कई सारे दुकान हैं तो आप वहाँ पर भी जाकर पता कर सकते हैं। स्टेप 4, कॉस्मेटिक शॉप के लिए इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, अगर इस बिजनेस में शुरू में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कम से कम 10,000 भी लग सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 से 1,00,000 भी लग सकता है। और ये आपकी दुकान पर डिपेंड करता है कि उसका इंटीरियर डिज़ाइन हुआ है या नहीं। और अगर हुआ है तब तो आप 10,000 का माल भी भरकर उसे अच्छे से चला सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंटीरियर डिज़ाइन वाली दुकान नहीं है तो थोड़ा बहुत तो आपको उसमें इंटीरियर डिज़ाइन करवाना पड़ेगा, ताकि दूर से आदमी देखकर पता लग सके कि हाँ, कॉस्मेटिक का सामान यहाँ पर मिलता है। इस बिजनेस में प्रॉफिट की बात करें तो अगर एक लिपस्टिक 60 रुपये की बिक रही है तो उसका खरीद प्राइस 30 रुपये है। और कुछ तो महान शॉपकीपर ऐसे भी हैं जो 25 का माल भी 75 में बेचते हैं। इस बिजनेस में आपको 50 से 60% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। दोस्तों, ये तो था आज का बिजनेस आइडिया, जो कि बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।